नवरात्र शुरू हो चुका है, आज माँ स्कंद माता की पूजा की जा रही है और आज जो सच्चे मन से माँ की भक्ति करते हैं उन्हें उनकी मनोकामना माँ पूरी करती हैं। और आज संग्राम क्लब पहुंच चुके हैं हमारे संवाददाता अंजनी जी। अंजनी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसा माहौल है वहां पे और आज कई पंडालों के पट भी खुलने वाले हैं, क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए डिंपल, हम इस वक्त कचहरी के संग्राम क्लब में हैं और ये क्लब जो है 1969 से यहाँ माँ दुर्गा की पूजा प्रत्येक वर्ष से होते आ रही है। लेकिन इस बार जब आप घूमने के लिए आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप त्रिपुरा राज्य में पहुँचे हैं। ये मंदिर का जो प्रारूप है वो त्रिपुरा का एक मंदिर का काल्पनिक रूप तैयार किया गया है और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में बेत और बांस से जो तमाम जो खूबसूरती खूबसूरत रूप जो बनाया जाता है, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पूजा पंडाल में दिखाई दे रहा है। और जो कारीगर हैं, पश्चिमी बंगाल के कारीगर हैं, उनके हाथों का जो मेहनत है, उनकी लगन जो है, क्योंकि बीच बीच में मौसम या बारिश की वजह से खलल जरूर हुई थी, लेकिन इनका जो हौसला है वो कभी कम नहीं हुआ है। तो ये आप जो देख रहे हैं, एक आप जब यहाँ घूमने आएंगे तो लगेगा त्रिपुरा पहुँचे हैं। लेकिन हम आज सबसे पहले बात करेंगे उनसे, बात करेंगे जिन कारीगरों ने ये पंडाल को बनाया है और पंडाल को खूबसूरत रूप दिया है। हमारे साथ महादेव भाई हैं, इनसे जानेंगे। अब पूजा पंडाल बहुत आकर्षक लग रहा है, कितना मेहनत है लगा आप लोगों को? आ रही है पहली बार रांची संग्राम क्लब में, तो एक महीना लगे का काम खत्म करने के लिए। अभी ये नहीं है, दो बारह बाजी खत्म हो गया पंचम में से। तो मेरा नाम है माधव जी, मैं 100% प्रतिबंधी हूँ। तो आर्य कंटाई से चंद्रमुखी डेकोरेटर्स, और तो पंडल में जो मिस्त्री था, तो हम जो लोको था एक ही साथ मेरा साथ काम करने के लिए, काम ख़त्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सही संगे बात कह रही है, तो इखन कर जे संग्राम क्लब को बहुत शुभेच्छा और प्रशासन को शुभेच्छा, प्रगति को शुभेच्छा एवं शारदीय पीठी शुभेच्छा। न्यूज 11, देखिए न्यूज 11 को भी इन्होंने धन्यवाद दिया है डिंपल, क्योंकि ऐसे लोगों को कम लोग दिखाते हैं। ये बताइए, आप लोग सब पूजा समिति से जुड़े हैं, एक ऐसा महसूस होता है जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम लोग? हाँ देखिए, इस बार हम लोग नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा का एक मंदिर का जो पुरानी पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों हजार पुरानी कथा का अनुसरण करके इस काल्पनिक मंदिर का बंगाल के कारीगरों द्वारा निर्माण किया गया है। इस मंदिर में, इस मंदिर का थीम को हम लोगों ने नाम दिया है जाना पहचाने, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें जो पंडाल में यूज हुई हैं लोग हमेशा उसे देखते आए हैं और देखते रहते हैं। तो जो भी पंडाल के जो बाहरी हिस्से में जो भी मूर्तियां बनाई गई है, जैसे एक तरफ पंडाल के बाईं ओर है विष्णु भगवान का 10 अवतार को भी टोकरी से बनाया गया है, पंडाल के दाईं ओर जो है माँ काली की जो 10 देवी शक्तियाँ उनको वो सारी चीज़ें भी टोकरी से बनाई गई है। साथ ही पंडाल के ऊपर में जितने भी राक्षस है वो भी टोकरी से बनाया गया। साथ ही पूरे पंडाल का जो हमारे पंडाल का मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा वो माँ दुर्गा जो पंडाल के ऊपर मंदिर में जो गुंबज बनाया गया है उस पर टोकरी में अपनी जो माँ काली, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी के साथ में विराजमान है। साथ ही जब हम जो भी दर्शनार्थी पंडाल के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले माँ भगवती जो पालकी में बैठी दिखाई देंगी, उनका दर्शन करके लोग अंदर जाकर माँ भगवती का तो दर्शन। ये देखिए, हम थोड़ा दिखाना चाहते हैं डिंपल, देखिए ये बेत का बना है और समुद्री जो सीप है उसका इस्तेमाल किया गया है और कितनी बारीकी से तमाम चीजों को जोड़ा गया है। ये देखिए छोटा सा सूप है और इसे कान का रूप दिया गया है, तो खूबसूरत, काफी खूबसूरत लग रहा है। और इधर आप देखेंगे तो ये माँ काली के का जो 10 रूप है उसे दिखाया गया है और खूबसूरत है। जो कारीगरी है, जो मेहनत है वो इसमें साफ तौर से दिखाई देता है। आप इधर देखेंगे, सामने देखेंगे माँ दुर्गा विराजमान है और सरस्वती है, लक्ष्मी है। तो ये जो खूबसूरती है ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि इनकी जो मेहनत है, ये पंडाल जो है
आपको देखने के लिए आना होगा। और जो भी लोग आएंगे, देखिए माँ काली का जो रूप है वो देखिए कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, और सीप का इस्तेमाल है और अलग अलग कलर से यहाँ पे दिखाया गया है। और जो थीम है जाना पहचाना नाम दिया गया है, क्योंकि हम लोग टोकरी का इस्तेमाल करते हैं, सूप का इस्तेमाल करते हैं। पीछे वहाँ आप देखेंगे ये विष्णु भगवान के 10 रूपों को दिखाया गया है। तो ये कारीगरी है, ये मेहनत है, और माँ की प्रतिमा भी आ चुकी है। और जब नवरात्रा की शुरुआत होती है तो यहाँ पूजा भी होता है, और प्रथम दिन से ही जो पूजा है वो पूरे विधि विधान से होते हैं, क्योंकि मूर्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जो छोटी मूर्तियों को रखा जाता है उसमें पूजा होता है। तो माँ का समय है, ऐसे समय में माँ का दर्शन करने का समय है, माँ से लोगों की जो मनोकामनाएं पूर्ण होती है, माँ को लोग धन्यवाद भी करते हैं। और कहीं ना कहीं एक विपरीत परिस्थिति के बाद, 2 वर्षों के बाद पूजा पंडालों में जो रौनक है वो दिखाई दे रही है। तो ये आप देखेंगे कि 10 रूप जो काली के हैं, हर प्रतिमा जो है उसके अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि खूबसूरत है, आकर्षक है, और तमाम जो कारीगर हैं वो बधाई के पात्र हैं। तो वैसे में हम जरूर कहेंगे कि संग्राम क्लब जो दुर्गा पूजा समिति है, यहाँ का पंडाल भी आप अवलोकन करने आए। काफ़ी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, तो एक अलग व्यवस्था होती है। और कमेटी के तमाम जो लोग हैं उनकी भी मेहनत काफ़ी होती है। इनका सुरक्षा की बात करेंगे तो इनका पूरा जो ग्रुप है वो पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर तैनात रहते हैं। जिला पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनका भी बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं, और वैसे में सुरक्षा को लेकर देखेंगे तो काफ़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की जा रही है पूरे शहर में। और लोगों से भी अपील है, हम लोग बार बार ये अपील भी करते हैं कि ऐसे समय में आप किसी भी तरह का कोई अफवाह पे ध्यान ना दें, और कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पे आता है तो उसे आप कहीं भी नहीं भेजे, और चीज़ों को समझे, और कुछ भी होता है तो पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दें, क्योंकि मौका पूजा का है, मौका दुर्गा पूजा का है, मौका माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। आज 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा हो रही है, तो कहीं ना कहीं पूरा शहर जो है भक्ति में सराबोर हो रहा है, और माँ से तमाम लोग विनती कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो बेहतर हो, अच्छा हो। तो ये आप देखेंगे कि जिस तरह से ये विष्णु भगवान का एक अलग रूप यहाँ भी आप देख सकते हैं, मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कहीं देख नहीं पाते हैं। तो वैसी चीज़ों का आप अवलोकन पंडाल में करेंगे, तो आपको यदि त्रिपुरा के मंदिर का अवलोकन करना है तो आपको संग्राम क्लब का जो पूजा पंडाल है यहाँ जरूर आएं, और जब देखें तो कारीगरों के लिए भी आप धन्यवाद, थैंक यू जरूर बोलें, क्योंकि एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल जो है रांची की रौनक बढ़ा दी है। आप देखेंगे तो कोलकाता के बाद रांची में जो दुर्गा पूजा होती है, अलग अलग और भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, और राज्य के कई जिलों से लोग यहाँ देखने आते हैं। तो हमें लगता है कि अब पूरे रांची में जो है दुर्गा उत्सव की शुरुआत हो गई है, और धीरे धीरे करके पूजा पंडालों का जो पट है वो खुल रहा है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि संग्राम क्लब का जो पूजा पंडाल है आप जरूर देखने आए। डिंपल जी, अंजनी जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वाकई में पूजा पंडाल बहुत ही लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।